बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेट बंद कर दे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ अपनी दोपहर की रूटीन शेयर करने लगे हैं। एक्चुअली सबसे पूछा कि क्या पकाएं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि हर घर में तकरीबन ये तो कन्फ्यूज़न होती है हाउसवाइफ के लिए कि उसे उसके पास मेन्यू नहीं होता। कभी कोई किसी ने कुछ खाना होता है, किसी ने कुछ खाना होता है। जो यानी कि बच्चे खाते हैं वो बच्चे के वालिद साहब नहीं खाते हैं, जो वालिद खाते हैं वो बच्चे नहीं खाते। तो इसी से जो बन में मुझे समझ नहीं आ रही क्या बनाऊँ, तो मैं दाल माँच लेकर आई हूँ। अब मैं दाल माँच को साफ़ करके उसको भिगोती हूँ, उसके बाद जैसे अदरक तैयार करती हूँ। तो दाल माँच थोड़ी सी थोड़ी देर भीगी रहे ना, तो ज़रा अच्छी बनती है। दाल को मैंने साफ़ कर लिया, अब इसको हम भिगोते हैं। ये दाल को हम ज़रा अच्छी तरह से एक तो वाश करके उसका पानी गिरा देंगे, ताकि जो डस्ट वगैरह होगी ना इसकी वो जो है निकल जाएगी। दाल हमारी साफ़ हो गई, अब इसमें हम पानी डाल के रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और हम लहसुन अदरक जो है वो बनाते हैं। अब मैं दाल के लिए मसाला बना रही हूँ। एक्चुअली तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी मेरी, सर में पेन हो रहा था, मेडिसिन लिया मैंने, कहा आराम बाद में करेंगे, पहले इनके लिए दोपहर का अरेंजमेंट करते हैं। दाल माश, दाल माश, माशाल्लाह दाल माश। इसकी रेसिपी भी डाल दी है ना आपने? हाँ, इसकी रेसिपी शाही दाल के सबसे पहली रेसिपी यही है। शाही दाल की रेसिपी डाली हुई है, और आज यहाँ पे सादा दाल माश तैयार की जाएगी जी। आज आपके पप्पू भाई की फरमाइश थी कि दाल माश बनाई जाए, तो मैंने दाल माश तैयार की है। और इसकी रेसिपी जो है वैसे मैंने आपके चैनल पे डाल दी हुई है। मैंने सोचा चलें आपसे साथ साथ गपशप करते हैं, और साथ दोपहर की रूटीन जो है, दोपहर का सालन तैयार कर रही हूँ। दोपहर के तकरीबन 12 बज चुके हैं, और बहुत गर्मी है किचन में, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो साथ साथ आपसे बात करते हैं, आप माशाल्लाह से आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है जिस तरह आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते हैं। इस तरह आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए डेली रूटीन जो है उसके हिसाब से भी लोग बनाती रहूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेट बंद कर दे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज रोटी खाने लगे हैं, खाना खाने लगे हैं। लाओ जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। चलो भूख लगी हुई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पानी पीना। चलो जी खत्म देन लग गए। दोस्तों आपकी भाभी ने बनाया है सालन दाल माश। आइए बैठिए, तशरीफ रखें। नहीं आप खाना खाए ना, मैं भी आती हूं। चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह। तेरे दिल को क्या दो? बिस्मिल्लाह जी, देखते हैं कैसे बना। बिस्मिल्लाह पकड़ो। और माशाल्लाह जी अचार है साथ साथ, प्याज भी है,
और साथ दही और साथ दाल मौज। क्या बात है, मेरी पसंदीदा डिश। स्पेशल कहा था, किसने कहा कि वीडियो भी साथ बनानी है, मैंने कहा ठीक है बनेगी, आप दाल माश बनाए, मज़ा भी ऐसे ही आएगा खाने में। हाँ जी, तुमने नहीं खाने लगाओ, पहले मेरे बेटे चेक करेंगे। किस तरह की है, अहमद कैसी है, अच्छी है? मुझे तो खाने दो यार, पानी गिर जाएगा। क्या बात है, कसम से बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी। अगर आप ऐसी दाल माश बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी इसी चैनल पे सबसे पहले वीडियो बनाई थी, दाल माश शाही दाल, वो आप देख सकते हैं। अब ना इधर आ जाए, आए तो सही, बैठे थोड़ा सा कैमरा ऐसे करें, थोड़ा पीछे पीछे ले जाए, ऐसे आ जाए, बैठे। आपकी भाभी भी आ गई है, आज का ब्लॉग जो था हमारा दोपहर की रूटीन था, आज हमने दाल माश बनाई, उसके बाद मैंने रोटी बनाई, बहुत ही गर्मी थी एक्चुअली, हम लोग रोटी बना सभी अब्दुल्ला करते हैं आपके तो, चलने वाले हम दरअसल दोपहर की रोटी में खुद ही गर्मी बनाते हैं, ये बाप बेटे आपस में लगे हुए हैं। एक्चुअली अब्दुल्ला भी अभी सो के सोया हुआ था, इसने अभी खाना नहीं खाया, मैं भी सो के अभी उठा, तो इसने अपने पापा के साथ ही खाना था। ये मेरा लाडला है, लाडला तो ये भी है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। अहमद साइड पे ऐसे ना करो, अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं यार, वीडियो बना रहे हैं, हमें अपलोड करनी है। मुंह साफ करो, इसका मुंह साफ करो। ठीक है दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे, आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक बहुत कम आते हैं, लाइक 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 अभी कर दें एक लाइक, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह आप हमारे साथ प्यार बांटते रहें, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी अता करें, और अल्लाह पाक आप बहन भाइयों के दिल की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करें। आपके भाई की दुआएं आपके साथ हैं, आप अपनी भाभी को फुल सपोर्ट करें और अपनी भाभी को कामयाब करें, और जो भी बहन भाई है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ बेल के निशान को प्रेस कर लें, इससे हमारी वीडियो आप बहन भाई तक सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो तक मिलते हैं, अल्लाह सुन दे हवाले, अल्लाह हाफिज। और आप सब अपने प्यार से कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छा सा ब्लॉग लेकर आए, इंशाल्लाह हम आपके लिए सही ब्लॉग लाते रहेंगे, और तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।